Reinvent yourself periodically. पीरियोडिकली ये बहुत जबरदस्त है भाई री इन्वेंट योर सेल्फ अपने आप का पुनर्निर्माण करो समय समय पर खुद को रि इन्वेंट करो यह री इन्वेंट क्या है हर बार संभावनाओं को लेवरेज कर देना हर बार जिंदगी में कुछ अच्छा पॉजिटिव निकाल लेना पीछे नहीं हटना हारना नहीं घबराना नहीं भाई सुनो भाई स्टोरी सुनो मजेदार केलॉक्स कॉर्नफ्लेक्स का नाम सुना सुना बहुत अच्छा क्या होते हैं वो मक्के के फूले फुला के और ये दूध में पटक के खाते हैं केस स्टडी सुनो जब पूरी दुनिया में केलॉक्स कॉर्नफ्लेक्स अपनी तूती बजा रहा था डंका बजा रहा था तो उसने कहा भारत चलते सुबह किसने कहा था जिलेट ने अब किसने बोला केलॉक्स कॉन्फ्लिक्स ने भारत में लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के सात दिन के अंदर पार्टी फेल हो गई करोड़ों का लोस लग गया भारत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट कर दिया अब पता ही नहीं चल पाया सालों रिजेक्ट क्यों किया पूरी दुनिया में लोग खा रहे हैं दूध में डाल के चटकारे से खाते हैं इन्होंने रिजेक्ट कैसे किया रिसर्च करो भागो मत बैक फुट नहीं जाना पीछे नहीं हटना मैदान नहीं छोड़ना ऐसे आप भी रिसर्च किया करो जब ग्राहक मना करें आप भी रिसर्च क्या करो कमी कहाँ है कहाँ हैं जो कुछ कमी रह गई तो उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च की तो ऐसी चीज पकड़ में आई उनके होश उड़ गए पूरी दुनिया में कैलॉक्स कॉर्नफ्लेक्स को ठंडे दूध में खाते हैं और ये भारत वाले गर्म दूध पीते हैं सोच भी नहीं सकते थे वो तो गर्म में पीने से क्या हुआ जैसे ही मुट्ठी भर के डाली तो साला वो कड़क से लपड़ गया ऐसे बिल्कुल लपड़ गया और अपने का तो क्योंकि कुछ चीजें स्वाद से नहीं खाई जाती कुछ साउंड से भी खाई जाती है अभी आपको कोई पापड़ देंगे ना दे दे सिखा हुआ लेकिन सीम जाहिर आपको दे तो आप कहोगे यो पापड़ चाहिए ये तो अपन पापड़ स्वाद से नहीं खाते कानों से खाते कड़क कड़क वो साउंड खाते हैं साउंड खाते हैं भाई कानों से भी खाते हैं अपन कई भोजन हर भोजन जीप से खाते तो खा लो कहलोक्स कॉर्नफ्लिक्स खा लो लपड़ा हुआ ये पापड़ खा लो नहीं कड़क आवाज नहीं आएगी तो हम नहीं खा पाएंगे तो भारतीयों ने कर दिया फेल अब बताओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो उनको पता ही नहीं थी सौ दो सौ करोड़ का लोस खा लिया फिर उनको पता चला रहे। यार ये तो दूध को गर्म करके पीते हैं और अपन तो कई तो ऐसे होते हैं जो जल जला हुआ दूध पीते हैं जल तो भाई वो तो वो तो उसकी हालत खराब होनी थी मक्के के वही तो थे आठ गुना टाइट कर दो रे सुनो भागेंगे नहीं जाएंगे नहीं साले को और टाइट कर दो अब जाके कैलॉक्स कॉर्नफ्लेक्स थोड़ा टाइट हुआ है और वो दो चार मिनट तक कोई दिक्कत नहीं देता दो चार मिनट तक तो रख लिया तो फिर वो भी वापस वैसे हो जाएगा लेकिन कड़क कड़क की आवाज दूध के साथ आती है तब लोग खाते हैं केलॉक्स कॉर्नफ्लेक्स ने भगाया नहीं अपने आप को जिलेट ने अपने आप को बेक फुट पे लाया नहीं फिर आपसे एक ने मना कर दिया तो आप सामूहिक मातम मनाने क्यों चले जाते हैं सामूहिक मातम समझते भारत में कभी कभी क्या होता है दर्द का भी एक आनंद लेने में मजा आता है जैसे कहीं फुंसी हो जाती है तो और और तेज। और तेज, तेज। ये खुजाने में जो मजा आता है ना उसके चारों तरफ फुंसी के, बाल तोड़ के तो उसका आनंद अलग ही है ऐसे ही सामूहिक मातम आओ रे भाई सब सब लुट गए सारे हाँ आ जाओ बैठ के बात करते <laughs> सामूहिक मातम नहीं मनाना सामूहिक मातम नहीं मनाना भाई खुद को रेंट करने के लिए पहला काम लगातार पंद्रह दिन काम करे एक लकड़ाहरा और महीने का पचास हजार कमाए दूसरा लकड़ हरा पूरे महीने काम करे और दस हजार कमाए फर्क किस बात का था वो पंद्रह दिन कमाता था और पंद्रह दिन तब ज्यादा कमाता था सिर्फ बेचू 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 अरे बेचने से पहले धार तो लगा ले धार तो लगाओ भाई बुद्धि के विवेक के नॉलेज के एटीट्यूड के धार लगाओ जितनी धार लगाओगे उतना पैना पनाएगा, उतनी जबरदस्त शार्पनेस आएगी धार कैसे लगती है किताबों से ऑडियो से वीडियो से पॉडकास्ट से नॉलेज से ट्रेनिंग सेशन से कोर्सेज से इनसे इन जीवन में इंसाइट्स आती है इनसे जीवन में निखार आता है आप रीनवेंट हो जाते हैं बोलो भाई रीवेंट करेंगे yes. अपने आप को करो मोर देन वन स्ट्रिंग एक से अधिक रखो ताकि आपका व्यापार छूटे नहीं भाई आपका कमिटमेंट टूटे नहीं भाई एक रस्सी और दस रस्सियों से मिलके बनी हुई रस्सी बोलो ताकत किसमें ज्यादा होगी yes. अपने व्यापार को कई रस्सियों से पकड़ के रखो नॉलेज की रस्सी एटीट्यूड की रस्सी कमिटमेंट की डेडिकेशन की डिसिप्लिन की कई रस्सियों से जकड़ के रखना अपने धंधे को कभी कौन सी टूट जाएगी कभी कौन सी मुरझा जाएगी लेकिन ज्यादा रस्सियों से पकड़ के रखोगे उतना ही स्ट्रोंग उतना ही मजबूती से अपने धंधे से जुड़े रहोगे भाई मजबूत मजबूत रेंजमेंट करो रेंजमेंट करो Put your hand up, अपना हाथ हमेशा ऊपर रखो कितनी जल्दी लोग मांगने लग जाते हैं बहुत जल्दी कितनी जल्दी भारत में कभी देखो आप कोई टैंकर पलट गया और उस टैंकर में दूध है तो क्या होगा उस जगह पूरा नगर आ जाता है वहां पे और कोई ट्रक पलट गया मेन रोड पे चिप्स है उसमें कुरकुरे हैं पुरकुरे हैं बड़े बड़े कारे रोक कर अरे सुनो भाई मे लो भाई आराम से लूटो भाई मैंने बड़े बड़ी कारों को रुक के और पैकेट रखते हुए देखा है क्या बटी रही तो ले लो जल्दी से मत लो भाई ये चोरी है भाई मत लो ऐसे जल्दी से ना यूं रखो हाथ यूं रखो हाथ प्रकृति को देना है वो आपको अधिक देगी वो आपको और अधिक देगी अपना हाथ हमेशा ऊपर रखो गिवर बनो प्रकृति आपको खूब देगी